राम राम, गुड मॉर्निंग, दो सलाम भाई। एक और दिन अपना वैसे शुरू हो गया। आप लोगों को ये दिखाऊंगा मैं डेली प्यार प्रेम में। डू वेयर योर सीट बेल्ट फॉर अ सेफ ड्राइव। तो बकबक मारे हैं। डू वेयर योर सीट बेल्ट। तू चुप हो जा। वो पहले बकबक करने लग जाया कर। इसके पेट में दर्द है और कुछ नहीं इसके। सूरज आज भाई बढ़िया निकला हुआ है। कल वो थोड़ी देर स्कूटी पे चला गया भाई। ओहो भाई साहब, ऐसा लगा कि मतलब नाइट्रोजन छिड़क लिया ऊपर और टूटने वाली उंगलियां। लेकिन अभी धूप बिल्कुल सामने की लग रही है ना, इसलिए और भी अच्छी लग रही है। चिल मिलाती हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रही है। मज़ा आ गया भाई। ऐसा है कि कभी कभी ना आपका जो बहुत खास दोस्त होते हैं ना, बहुत खास दोस्त, वो ऐसी जगह फंस जाता है भाई जाके कि जिसके साथ आप डेली बात करते थे कई कई घंटे। और यहाँ मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, मैंने बोला दोस्त, तो अच्छे वाला, ठीक है, बेस्ट, वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसके बाद भाई बंदे से बात ही नहीं होती भाई। भाई पता नहीं कहाँ बिजी रहता है तगड़े वाला। अभी इसकी गाड़ी देखो भाई, फुल ब्लैक, पता नहीं इसके चलान क्यों नहीं कटता, और फुल साइड में टशन भाई, क्या कहूँ। गवर्नमेंट पता नहीं हमारी गाड़ी पकड़ती है क्या, बस जो पूरी भाई कंप्लीट जेड ब्लैक। मैंने दिखाया इसलिए नहीं, फालतू में पंगा करे, सुबह सुबह कोई फायदा नहीं। स्विफ्ट थी कंप्लीट ब्लैक, कलर भी ब्लैक और भाई शीशे ही ब्लैक, और नंबर प्लेट जो है ना भाई, वो सामने नहीं है जहाँ लगी होनी चाहिए, वो साइड बम्पर में एक पता नहीं क्या डिज़ाइन में चिपका रखी है छोटी सी, बस इनको नहीं पकड़ते पुलिस वाले भाई, भगवान जाने। और हम किसी के छोड़ हल्का सा भी अगर टिंटेड भी होता ना क्लास, उसको भी रोक लेते हैं, लाते 10,000 का चलान काट दो यार, जाने दो सोच कहीं का दिमाग खराब करें। तो मैं कहता हूँ कई बार दोस्त ऐसी जगह फंस जाता है आपका, फंस जाता है मतलब नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई टाइम ही नहीं दे पाता बिल्कुल भी। और स्पेशली अगर डे नाइट शिफ्ट वाला जो शिफ्टिंग का जो चक्कर रहता है ना जॉब में, अगर वो वैसी जॉब में हो तो। ऐसे ही हमारा दोस्त फंस गया भाई, एक भयंकर वाला, पता नहीं कैसे कट रही है भाई। मैंने अब मतलब इतने दिन से बात नहीं हो पाई उससे ना, और एक टाइम था कि हम मिलते भी डेली थे ऑलमोस्ट, तो कई बार दिल नहीं लगता दोस्तों के बिना। मैंने कहा यार इतने दिन हो गए, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके इस बार सोच रहा हूँ कि उसे घर ही पहुँच जाऊँ, सरप्राइज़ दे के सरप्राइज़ विजिट कर दूँ घर पे, शनिवार को या मोस्टली शनिवार को ही सोच रहा हूँ, सैटरडे या संडे दोनों में किसी एक दिन, पर सैटरडे तो श्योर कर सकता हूँ। और उसका ये भी नहीं पता रहता ना कि मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ उसकी ड्यूटी अभी जो है वो दिन में या रात में, उसके हिसाब से देखते हैं, मारते हैं एक बार कुछ चक्कर वक्कर मारते हैं ऐसा सरप्राइज विजिट वालों से घर, वही खाते हैं सब खाना वाना जाके भाई साहब। इफको जॉब पर ना जाम से पहले से कम लगता है जाम, लेकिन ये जो यू टर्न वाली जो प्रक्रिया है ना, इस यही बसड़ है बस, एक ये और निमट जाए तो स्मूथ है बिल्कुल। एक टाइम ये था भाई, ये जो एरिया है इफको चौक वाला, यहाँ पे भाई भले ये मेन जगह है गुड़गांव के, इसके नाम से गुड़गांव पहचाना जाता है, ये भी इफको चौक गुड़गांव, तो कोई किसी कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, पर इफको चौक गुड़गांव में जरूर जानता है। एक्चुअली मीटिंग है, सीधा ऑफिस नहीं जा रहा, एक मीटिंग है पहले, मीटिंग में जा रहा हूँ तो उसके बाद सीधा ऑफिस, फिर ऑफिस जाऊँगा वापस। भाई मीटिंग हो गई है, अरे मीटिंग हो गई है भाई, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। खैर मीटिंग हो गई ख़त्म, अब जा रहे हैं ऑफिस, धूप निकल रही है एक नंबर की, टंच बिल्कुल। यार एक इसके अंदर कुछ फीचर ऐसा ना, दूर हो जाए थोड़ा सा, नहीं स्पेस मेंटेन हो जाए फ़ोन के साथ, बट होता ही नहीं है, क्या करें, यहाँ से घूम जाता है ऐसे ही, फ़ोटो भी खींच लेता है। अच्छा कुछ फीचर्स ऐसे जो फ़ोन की पता ही नहीं है हमें भी आज की डेट में भी।
बस पहुंच गया भाई, अब चलते हैं जरा अंदर, करते हैं दिन अपने कर्मों का पालन, कर्म करते हैं, फिर शाम को फल खाएंगे कर्म का। ये ना ऐसे ही ना, आज कर्म कर लो और शाम को फल खा लो, ऐसे ही होना चाहिए, बस वैसे ही कर रहे हैं हाँ। चलो मिलते हैं जल्दी भाइयों को, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। भाई देख ही रहे हो कैमरे में, शाम हो गई है, शाम नहीं, हाँ मतलब शाम ही बोल सकते हो, निकल गए ऑफिस से बिल्कुल मिला के भी घर के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट के। आज की मजदूरी यहाँ तक ही, आज की दाढ़ी पूरी होगी भाई, दाढ़ी पूरी करके अपना घर की तरफ। डिपेंड ये करता है भी कहीं जाम खड़ा हुआ ना मेरे, चलता हुआ तो फिर भी जिल जाता है कि चलो चल रहे हैं धीरे धीरे, जो भी लोग खड़े हो जाते हैं ना, जैसे कल दे हुआ था कि अपना भाई खड़े ही हो गए बिल्कुल, यू टर्न लेके जाना पड़ा था उसी रास्ते से, 5-10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के द्वारका से, वही करना पड़ता है कभी कभी, देख रहे हो मजबूरी आदमी की। यहाँ से अगर गाड़ी में पंखे लगा दिए जाए ना, मतलब हवाई जहाज वाले जो पंखे हैं, तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहे यार, कम से कम घर टाइम से पहुँच जाए। ऐसी हिलती है गाड़ी, और भाई DTC वाले दूर से ऐसे तेज भगा के लाते हैं ना, ऐसे फट जाती है, क्योंकि चढ़ाएगा क्या बिल्कुल, अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि DTC बस वाले जितनी स्पीड से आते हैं ना भाई, अगर उनकी ब्रेक ना लगे तो भैया तो उड़ा देंगे भाई साहब, ऐसी स्पीड से दूर से ब्रेक मारते नहीं है, सर के ऊपर चढ़ा के बिल्कुल खड़ी ब्रेक मारेंगे, दूसरा बंदा आधे सांस में हो जाता है गया ऐसे, फिर जब देखते हैं भाई गाड़ी रुकते कहते हैं बच गया, ये हाल होता है। मैंने भाई कुछ दिन पहले व्लॉग बनाया था ना, तो मैंने AC के ऊपर बनाया था एक व्लॉग, मैंने किसान नो फार्मर नो फूड के ऊपर ही, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके चेक कर लो भाई, है ना, बहुत बढ़िया था वो व्लॉग, मुझे पर्सनली दिल से बनाया था मैंने, आप लोग भी जाके देखो भाई। भाई ये कारण होता है जाम लगने का, बिकॉज यहाँ से जो आ रही है ना इस साइड से गाड़ियाँ, उनको स्ट्रेट क्रॉस करना है राइट साइड में, और हमें जाना है सीधा स्ट्रेट, तो भैया होता यही है कि यहाँ से ये गाड़ी उधर ना उधर जाती है ना इधर, बीच में फंस जाते हैं, बिकॉज जैसे इस भाई को निकलना है ना, वो उधर से आने वाले को राइट मुड़ना भी है, तो ऐसे फंस जाते हैं भाई ये, कि फिर घंटों खड़े रहते हैं। कल जो जाम लगा था भाई, वो करीबन पता लगा सुबह कि करीबन 2-2.5 घंटे लग गए इसको खुलने में, और ऐसे ही किसी चूतियापे के चक्कर में हुआ होगा जाम भी वो, कि पहले में करते, अब उसके बाद खड़े रहे सब पहले में वाले ना, फिर 2-2 घंटे खड़े रहे, तब किसी ने नहीं करा पहले में, ये बेवकूफ़ी वाले काम कर लेते हैं, फिर परेशान करते हैं दुनिया को भी, दूसरे भी परेशान, हो रही है भी परेशान। अब बताओ इसमें मेरा, बताओ भैया इसमें मेरा क्या दोस्त, बताओ देख लो हालत, उस साइड से बंद, मतलब एक सिंगल लाइन की रोड है, लेकिन भैया देख कितने लाइन में घुसा रखे हैं, और ये इसी तरह खड़े रहे तो लाइन लगेगी भैया कई घंटों की, जंगल में घुसना पड़ेगा तब जाके नंबर आएगा, देखिए कहीं से मौका मिलता है तो अंदर जंगल में उतारते हैं पहले तो भैया, तभी बात बनेगी। ऊपर से यहाँ पे भी खड़ी कर रखी है, यहाँ से निकालते हैं अंदर से, देखिए यहाँ से क्या थोड़ा सा कच्चे पक्के में जाके भैया फिर भी जाम से निजात मिल जाएगी, ये रास्ता तो नहीं है पर बना रखा है जाम से बचने के लिए। यहीं से निकल जाए, यहीं से